सूजनगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चाचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। रोजगार मेले में लक्ष्मण सिंह ने युवाओं से भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने नौकरियां देने आई कंपनियों से भी चर्चा की। वहीं एक अलग ही नजारा रोजगार मेले में देखने को मिला, जहां एक युवक अपनी नौकरी के लिए रोजगार मेले में आया था। युवक बोल नहीं पाता और उसे सुनाई भी कम देता था। युवक की उम्र कम होने के चलते उसे रोजगार मेले का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके चलते चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने युवक से इशारों की भाषा में बात की और उसे समझाया। युवक को आश्वासन दिया कि पढ़ाई पूरी कर ले, जिसके बाद उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी। अठारह में लिख दो, अठारह में हो जाएगा, लिख के बताओ, अठारह में हो जाएगा। आप कागज में लिख के दे दीजिए इनको कि 18 साल का होने पर आपको नौकरी मिलेगी। ये शिविर में आता कुंभ, ये 18, ये 18 साल बंदूक दिला देंगे बोल। सर, हमारे यहाँ जो मैं विकासखंड प्रबंधक नीलिमा विजयवर्गी विकासखंड जादवगढ़ में पदस्थ हूँ। सर, आज हमारे यहाँ ये जो रोजगार मेला लगा हुआ है, इसमें 12 कंपनियाँ आई हुई हैं। स्पिनिंग मिल्स और गेल ILFS जीवन बीमा की कंपनियाँ हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, इसके साथ इसका प्लेसमेंट और ट्रेनिंग्स दोनों की कंपनियाँ हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी खुद ही करवाती हैं और प्लेसमेंट वहीं से देती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट जॉब पे ऑफर करेंगी। इसमें हम जो बेरोजगार युवा अपनी पढ़ाई छोड़ के और घर बैठ चुके हैं या उनके पास कोई ऐसा रोजगार का अवसर नहीं है, उनके लिए आजीविका मिशन ने ये रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से इस रोजगार मेले का आयोजन करवाया है, जिसमें विधायक महोदय लक्ष्मण सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये मेला लगवाया। इसी के साथ साथ सर, यहाँ पे जो लड़के रोजगार के लिए जाना चाहेंगे बाहर, उन्हें वहाँ रोजगार मिलेगा, अच्छी पे स्केल पे रोजगार मिलेगा। इसी के साथ हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे राधोगढ़ क्षेत्र का युवा आगे से आगे बढ़ के अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बाहर जाए, नौकरी करे और उसको अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे ही इस रोजगार मेले में आएगा 12 कंपनियों के माध्यम से वो अपनी पसंद की कंपनियां चयन करके किसी भी रोजगार के अवसर से जुड़ सकता है।